लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। अंगिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की गंगा भोगपुर स्थित स्वदेशी ऑर्गेनिक फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। सूचना मिलने पर लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश फायर स्टेशन से 3 दमकल वाहन आग बुझाने के लिए फैक्ट्री पहुंचे। करीब 3 घंटे 27 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में कामयाब हुए। आगजनी के दौरान फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग कब और कैसे लगी अब इसका पता नहीं चल पाया है। इससे पहले 24 सितंबर को भी पुलकित की फैक्ट्री में आग लगी थी। विधानसभा के आगामी सत्र के लिए कवायद शुरू हो गई है। राज्य स्थापना दिवस 9 सितंबर के बाद ही सत्र बुलाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में सत्र पर चर्चा होगी। देहरादून या गैरसैंण दोनों में से कहीं भी सत्र कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। विधानसभा का सचिवालय जो है वो सत्र करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे सिस्टम्स होते हैं और वो सिस्टम सुदृढ़ हैं, सही हैं, प्लेस में हैं, सिस्टम्स आर इन प्लेस। तो इसलिए गैरसैन हो चाहे देहरादून हो, हमारा तैयारी पूरी है और एक सर्वदलीय बैठक ज़रूर मैंने बुलाई है जहां पर हम लोग आपस में बातचीत भी करेंगे और तारीखों का एक बातचीत भी होगी कि कब हम इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि 9 तारीख के बाद जो हमारा स्थापना दिवस है उसके बाद ही हम सत्र को रखने का मन बना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी हेलीकॉप्टर से सुबह लगभग 9:30 बजे डाक पत्थर बैराज के पेविलियन ग्राउंड पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए जाते समय सीएम धामी ने लगभग 1 घंटे तक डाक पत्थर में बैराज व गेस्ट हाउस का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचकर थोड़ी देर आराम किया। इसके पश्चात उन्होंने डाक पत्थर बैराज का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी के अचानक आने से वहां हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने यमुना नदी व बैराज के दूसरे किनारे पर स्थित हिमाचल प्रदेश से लगने वाली उत्तराखंड की सीमा के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम धामी ने रिकॉर्ड बिजली उत्पादन के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना भी की। पौड़ी जिले की नवनियुक्त SSP श्वेता चौबे पद संभालते ही एक्शन मोड में दिखी। अंकित हत्याकांड को लेकर उनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है। SSP श्वेता चौबे के निर्देश पर थाना लक्ष्मण झूला पुलिस ने तीनों आरोपियों पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। SSP श्वेता चौबे ने कहा कि अंकित हत्याकांड के दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट लगने के साथ ही उनकी परिसंपत्तियों की भी जाँच की जाएगी। SSP श्वेता चौबे ने बताया कि अंकिता की हत्या के आरोपी जिले के गंगापुर भोगपुर स्थित रिजॉर्ट व उसके आसपास अनैतिक व्यापार आपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से धन अर्जित करते थे। उन्होंने अंकिता की हत्या कर क्षेत्र की लोक शांति व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का जघन्य अपराध किया है। देहरादून पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस और हंस फाउंडेशन की ओर से आयोजित 10 और 21 किलोमीटर देहरादून मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। सीएम धामी और DGP अशोक कुमार ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया। मैराथन में देश विदेश के करीब 15,000 एथलीटों ने भी हिस्सा लिया। विजेताओं को DGP अशोक कुमार और फाउंडेशन ने सम्मानित किया। विधानसभा चुनाव के बीच गुजरात की भाजपा सरकार ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तर्ज पर समान नागरिक संहिता का दावा चल दिया है। गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की तर्ज पर समान नागरिक संहिता के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया है। सरकार की इस घोषणा को गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वातावरण बनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बनाने और उसे लागू करने की घोषणा की थी। सरकार गठन के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता के लिए विशेषज्ञ समिति की गठन का फैसला किया। श्री नंदा देवी राजजात पूर्व पीठिका समिति की ओर से हर साल अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। इस साल वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुल्य योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। चयन समिति की अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा 10 महिलाओं को नंदा देवी वीरता सम्मान से नवाजा जाएगा। इस बार पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में कार्यरत महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। 1 नवंबर को विधानसभा के प्रकाश पंत भवन सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। यहाँ सभी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक
आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।